हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीतू दीपू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज आपको जैसे पता है कि रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी मेरे भाई और बहनों को, तो जो भी ब्लॉग देख रहे हैं। बाकी आज जो हमारा प्लान है, हम भी गांव के लिए निकल ही रहे हैं। वैसे तो जिन्होंने कल का ब्लॉग देखा होगा, दीपू और अनिता ऑलरेडी कल रात को नवीन जी जो हमारे जीजाजी हैं उनके साथ निकल गए हैं घर पे। तो अभी मैं और रोशन बचे हुए हैं, क्योंकि सिस्टर आने वाली है रेखा जो है, और तो वो अभी जयपुर आएगी। 10 बजे का उसका टाइम दिया हुआ है, तो 10 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, तो पहुंचने वाली है वैसे तो, उसको लेके हम निकलेंगे। हाँ तो दोस्तों, रक्षाबंधन होने के साथ आज एक और खुशी की बात है कि जो अपने यूट्यूब का जो चैनल है अपना, जो यूट्यूब की फैमिली है, वो 200 लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा है, तो उनको सच में दिल से धन्यवाद। और जो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अपने 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, तब भी अपने 50 लोगों को खाना खिलाया था। 100 सब्सक्राइब पूरे हुए, तब भी हमने 100 लोगों को खाना खिलाया था। और उस वीडियो में मैंने यही बात बोली थी कि जैसे अपने 200 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, तो मैं वापस जो अपन ये मुहिम हमने स्टार्ट की है लोगों को खाना खिलाकर हेल्प करने की, तो वो हम वापस जैसे संडे आएगा, अपने टाइम मिलेगा थोड़ा सा, तो वो टाइम निकालकर हम वापस लोगों को खाना खिलाएंगे 100 लोगों को। तो अभी कर रहे हैं रेखा का वेट, जैसे रेखा आएगी हम निकलेंगे, क्योंकि हमारी पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और रोशन भी रेडी है गांव जाने के लिए, तो मैं रोशन दो ही लोग हैं घर पे, बाकी भाई साहब को छुट्टी मिली नहीं ऑफिस से। हाँ तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी की नगरी रिंगस, और घर से निकले तब मैं ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि लेट हम काफी हो गए थे और जल्दी जल्दी में हम निकले। रेखा टाइम तो 10 बजे का दिया था रेखा ने, बट यही लेट होगी मतलब आने में, 11 बजे आई थी, तो ये अभी अपना ऑफिस का काम कर रही है। बाकी पीछे रोशन और चीकू बैठा हुआ है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। चीकू को दिखाओ भाई एक बार, तो वो रहा चीकू। तो अभी हम खाटू श्याम जी तो पहुंच गए रिंगस मतलब, और यहाँ से हमें लगभग 1 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। तो गाड़ी चलाते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, तो आराम से गाड़ी चलानी है क्योंकि सेफली। तो अभी हम पहुंचते हैं नीमका थाना गांव, और गांव पहुंचकर मैं आपसे बात करूंगा फिर। हाँ तो दोस्तों, हम पहुंच गए नीमका थाना हमारे गांव, और जैसे कि आपको सामने बोर्ड भी दिख रहा होगा, नीमका थाना नगर में, नीमका थाना नगर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये देख सकते हो यहाँ से एंट्री हो चुकी है नीमका थाना की। जिला नीमका थाना में आपका स्वागत है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है अभी जिला नीमका थाना। अभी इसकी मतलब स्टार्ट ही हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट जिले के हिसाब से, नया नया जिला बना है अभी, इसको एक्सपीरियंस नहीं है जिले का, रिनोवेट कर रहे हैं। बाकी नीमका थाना को जिला बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं, जिला जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ तो गाइस, हम पहुंच गए नीमका थाना, और लगभग 1 किलोमीटर दूर अपने घर है यहाँ से, तो 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, 2 बज जाएंगे हमें पहुंचते पहुंचते। 11:30 हम निकले थे, तो 2.5 घंटे में हम मतलब जयपुर से नीमका थाना पहुंच जाएंगे। किलोमीटर डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो 125 से 130 किलोमीटर है, तो गाड़ी हमने फास्ट चलाई नहीं, 80 से ऊपर हम चलाते भी नहीं, और ये चलती भी नहीं है, स्पीड लिमिट है इसकी 80 की, तो वो 80 से ज़्यादा भागेगी नहीं है। तो अभी मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। तो गाइस, ये हमारा घर आने के लिए NH 48, इस NH 48 से हम आते हैं, और यहाँ पर मतलब एकदम खाली हाईवे रहता है ये, और बहुत कम मतलब VIP साधन, VIP जो गाड़ियाँ होती हैं वही निकलती हैं यहाँ से, तो ये आप देख सकते हो। और इस हाईवे के बारे में लोगों को कम ही पता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोगों को भी पता होता है इस हाईवे के बारे में। तो गाइस, हम पहुँच गए थे घर लगभग 2 बजे, और अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी राखी वगैरह बंधवाएंगे, तो तैयारियाँ उसी की चल रही है। तो राखी बंधवाने का टाइम तो अभी कुछ सही से बैठ ही नहीं पा रहा किसी को, कोई बोल रहा है 6 बजे का, 3 बजे का, सुबह 9 बजे तक था, कल का था, तो सिस्टम पता नहीं लग पा रहा ढंग से। बाकी ठीक है, किसी पंडित से पूछा तो उसने बोला कि दोपहर को 3 से शाम के 6 तक आप बंधवा सकते हो, तो हम उस टाइम पे राखी बंधवाएंगे, और राखी बंधवा के हम निकलेंगे भी थोड़े टाइम में, क्योंकि अनिता और दीपू तो निकलेंगे नवीन जी के साथ वापस जयपुर, कल का ऑफिस है सभी का कंटिन्यू, और मैं और रोशन जाएंगे अलवर भाभी को लेके, तो भाभी को घर पर छोड़ना है, राखी है, तो वहाँ पर फिर देखते हैं, अगर स्टे का पॉसिबल, स्टे का अगर रहेगा प्लान तो स्टे करेंगे हम, नेक्स्ट डे जयपुर निकलेंगे, या फिर अगर टाइम से हम अलवर पहुँच जाएंगे तो हम आज ही जयपुर निकल जाएंगे, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अभी एक बार राखी बंधवाने का प्रोग्राम करते हैं अपन स्टार्ट। तो ये अभी दीसू की राखी बन रही है, सबसे पहले लाइट वाली राखी है ये दीसू के लिए, हमारे टाइम पे तो गुड्डे गुड्डी वाली राखी होती थी नॉर्मल। ये देखो खाने लग गया राखी को, दीसू दीसू क्यों कौन रिएक्शन कर। हाँ तो अब ये ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे। अरे भाई कितना कर रहा है, दिखा तो सही यार। अरे को नहीं मानसून, कैश कौन अब कर दे, एक साथ कर दे।
ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है देख लो, कितना हो रहा है 1500। ये स्कैनर पे स्कैनर आ गए, एक स्कैनर कंप्लीट, एक और स्कैनर रखा भी नीचे, यहीं बैठे हम। ओ 15,000 मेरा जीतो का रोशन। ये लो भाई दो स्कैनर, एक और स्कैनर, वंस मोर, एक स्कैनर और ला दो भाई। हाँ तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ अलवर के लिए और राखी वाला प्रोग्राम चल ही रहा है जैसे कि आप अंदर देख रहे हो, क्योंकि लेट हम काफी हो जाएंगे, आगे लगभग 3-3.5 घंटे का रास्ता है तो वो भी हमें कवर करना है। रास्ते में एक भाभी भाई साहब हो रहे हैं, रिलेटिव जानकारी है मतलब, उनको भी हम लेंगे तो वहाँ से हम निकलेंगे। अभी सब लोग वेट कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं क्यों लेट कर रहा है इतना, तो अभी हम निकल रहे हैं अलवर के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और आपको लग रहा होगा कि मैं वापस से गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग का नेक्स्ट डे है। हम अलवर पहुंचे थे रात को लगभग 9:30 बजे और जो चार्जर था वो मैंने कैरी किया नहीं था तो फोन डेड हो गया था, तो रात को ब्लॉग मैं कंप्लीट कर नहीं पाया। अभी सुबह हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग एक बार कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मैं वापस आज के लिए ब्लॉग ही स्टार्ट करूँगा। तो ब्लॉग कंप्लीट करने के लिए मैं शूट कर रहा हूँ, सब पे आया हूँ अभी भाभी के घर पे, तो आज के ब्लॉग को अपन यहीं करेंगे कंप्लीट, क्योंकि अभी ब्लॉग मुझे एडिट करना है, अपलोड करना है, तो टाइम भी काफी लगेगा और पता नहीं है ब्लॉग शायद लेट भी आ सकता है क्योंकि टाइम थोड़ा मिसमैच हो गया। तो देखते हैं, बाकी ब्लॉग वगैरह जल्दी एडिट करने की कोशिश करेंगे ताकि टाइम से यूट्यूब पर ब्लॉग मिल सके, आपको चैनल पर ब्लॉग मिल सके। तो आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं कंप्लीट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड नाइट, राम राम जी, जय हिंद।